संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों में दिखा हंगामा। सरकार ने विपक्ष पर मणिपुर घटना के बहाने कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की हुई समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने उठाए सवाल। कहा राज्य सरकार युवाओं को ठगने में है लगी। और झारखंड में मॉनसून की रफ्तार एक बार फिर पड़ी सुस्त। अब तक सामान्य से 45% कम बारिश। चतरा, धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह में तो करीब 70% कम हुई बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मामले पर हंगामे को लेकर आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था। राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई। कार्यवाही पहली बार स्थगित होने के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो मणिपुर को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले मॉनसून सत्र की शुरुआत में दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सदन ने एक मौजूदा सांसद हरद्वार दुबे और तीन पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं लोकसभा में भी हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो संसद में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके पहले लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू को शपथ दिलाई। बाद में सदन ने दो मौजूदा सांसदों रतनलाल कटारिया और बालूभाऊ सुरेश नारायण धनौरकर और 11 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। दोनों सदनों ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा। सरकार ने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का मन बना लिया है। संसद के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया। सरकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। ये भी स्पष्ट होने दो आपको, 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनको उनके मन में यह था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार हो गए तब उनके मन में आया कि अभी और कहा और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्यवाही को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस कांड में शामिल अपराधियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। निर्वस्त्र अवस्था में घुमाने और राज्य में जातीय संघर्ष के बीच यौन हिंसा का शिकार होते दिखाया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को दे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर घटना की निंदा की है। उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश को आश्वस्त किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच मणिपुर घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं
इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की घटना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा है कि इस घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। लेकिन मणिपुर की घटना एक दूसरी घटना है, वहां जातीय संघर्ष चल रहा है। वैसे तो दिल्ली पुलिस जिनके हाथ में है उनके नाक के नीचे रोज महिलाओं पर हत्या हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, तो ये तो सभी प्रदेशों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता और तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्ट्रांग हेल्थ सर्किट बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडल के जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं और जांच उपकरणों से युक्त हेल्थ केयर सर्विसेज शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आयुष्मान भारत के मरीजों का अस्पतालों में बेहतर इलाज सुनिश्चित हो। उन्होंने अस्पतालों की लंबित राशि का भुगतान भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में आज राज्य के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने मुलाकात कर विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर वाराणसी में हुए कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन को लेकर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए रांची जिले को मिले गोल्ड मेडल तथा प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को भेंट किए। मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया कि विश्व यक्ष्मा दिवस के उपलक्ष्य में मार्च 2023 में टीबी उन्मूलन से संबंधित एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित किया गया था, जहां टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित राज्यों और जिलों को सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में झारखंड में लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए रांची जिला का चयन हुआ था। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीबी उन्मूलन को लेकर रांची जिला द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के ताजातरीन मामलों पर चर्चा हुई। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने जेपीएससी द्वारा शिक्षकों के लिए जारी विज्ञापन पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री शाही ने कहा कि हेमंत सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार की न स्थानीय नीति स्पष्ट है और न ही नियोजन नीति, बावजूद इसके 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। विधायक ने कहा कि इस तरीके से राज्य में शिक्षक नियुक्ति होने पर राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों की हक मारी होगी। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन करेगी। 26,000 एक शिक्षक के आप बहाली करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये यहीं से खड़ा हो रहा है कि
इसमें नियोजन नीति आपकी है, कौन से नियोजन नीति पर आप 26,001 शिक्षकों को बहाल कर, और जब नियोजन नीति होगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से स्थानीय नीति, तो आप बताइए कि आपकी स्थानीय नीति क्या है। सबसे पहले सरकार के अधिकारी या सरकार के प्रवक्ता आकर के झारखंड प्रदेश के युवा को यह बतलाने का काम करें कि वो किस नियोजन नीति पर और किस स्थानीय नीति पर लोग होंगे, यानी जो टेट पास लोग होंगे वही इस एग्जाम में बैठेंगे। भाजपा नेता विनय जायसवाल के नेतृत्व में एचएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एचएससी के ज्वलंत समस्याओं से श्री मरांडी को अवगत कराया। इस दौरान श्री मरांडी ने उन्हें यह आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस मुद्दे को लेकर उचित मंच पर उठाएंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास करेंगे। नई दिल्ली में आज दो दिवसीय वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर नियामकों को अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की जरूरत है। हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हम में वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्होंने अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नामांकन को लेकर एक बैठक हुई। इस दौरान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कस्तूरबा बालिका विद्यालयों और झारखंड आवासीय विद्यालयों में नामांकन को लेकर कुल 1237 सीटों पर सहमति बनी। इस दौरान बिरहोर बालिकाओं के नामांकन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में कांके के विधायक समरीलाल और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की एक बैठक हुई। बैठक में उन्होंने मिशन इंद्रधनुष के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने सहित अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए। आम लोगों के जायके पर बड़ा प्रभाव रखने वाले टमाटर पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में रियायती दरों पर आज से टमाटर 70 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होने लगा है। बढ़ती कीमतों के बीच जनता के हित में एनसीसीएफ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला है कि टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीसीएफ के डीजी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये फैसला है ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइस राइज एक ऐसा एक इश्यू है जिससे आम आदमी को काफ़ी तकलीफ होता है। तो सरकार ने निर्णय लिया था कि थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज ये जगह जगह मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी विल हैव आउटरीच एंड हम लोगों का एक संस्था ये एनसीसीएफ एक कंस्यूमर फेडरेशन है, अपेक्स नेशनल फेडरेशन है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है ताकि कंज्यूमर को पहुंचाना। ये गवर्नमेंट का ये जो मेजर है प्राइस रिलीफ के लिए एंड वी आर डूइंग इट इन राइट अर्नेस्ट। ये जो प्राइस कम हुई है टमाटर की, तो आपने कैसे कम किया है या इसको कहीं से मंगाया, इसकी पूर्ति कैसे संभव हुई है? जहाँ पे टमाटर उगाते हैं उन देश राज्यों में चले गए, जैसा आंध्रा है, महाराष्ट्र है, थोड़ा वो कर्नाटका का बेल्ट है, ये सब एरियाज में जहाँ पे टमाटर का कल्टीवेशन होता है उन मंडियों में चले गए, उन कुछ एफपीओस को कॉन्टैक्ट किया और उनसे हमने टाइप किया और वहाँ से खरीद के यहाँ पे ले आ रहे। वी वर ऑल्सो टोल्ड टू मेक द
make our outreach more comprehensive. So we conducted Kendriya Bhandar, and they have also started distributing from today onwards. They have 113 outlets in and around Delhi. So in a limited way they have started today. I think from tomorrow onwards it will be available from all those outlets at rupees 70. जामताड़ा में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज जामताड़ा के आदर्श मध्य विद्यालय में 10 दिवसीय कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा ने किया। इस दौरान श्री झा ने कहा कि हमारे लिए कंप्यूटर, इंटरनेट सहित अन्य तकनीकी आधारित संचार माध्यमों का ज्ञान जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण लेकर अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देने में सक्षम हो सकेंगे। 10 दिवसीय प्रशिक्षण अर्थात जिस स्कूल में अभी वो एक्स्ट्रा मार्क्स द्वारा संधारित जो लैब है उसमें जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उसमें दो दो शिक्षक शिक्षिकाएं को यहाँ बुलाया गया है और ये आदर्श मध्य विद्यालय का प्रशिक्षण चल रहा है 10 दिन का शिक्षण। और इसका वो मुख्य उद्देश्य है जो हमारे बच्चों को कंप्यूटर का कम से कम सामान्य ज्ञान हो जाए तो आगे वोकेशनल एक्टिविटी में या उनको जीविका प्राप्त करने में, जैसे वो टैक्सेशन का काम यदि आगे करते हैं, जीएसटी का काम करते हैं, प्लस प्लस जावा, ये कॉल सेंटर आदि। लातेहार जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने घटना को अंजाम देते हुए पुलिस को चुनौती दी है। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर 5 ग्रामीणों की पिटाई की, इसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना नेतरहाट थाना क्षेत्र के दुरू पंचायत के पुरांडी और दोना गांव की है, जहां 5 ग्रामीणों को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने जमकर लाठी डंडों से पीटा। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पवित्र सावन महीने में श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग ने भी कमर कस रखी है। ऐसे तो कांवरिये देवघर के सुल्तानगंज से जल लेकर 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन देवघर में डाक विभाग ने भक्तों के लिए गंगोत्री के जल का इंतजाम किया है। डाक विभाग ने गंगोत्री से लाए जल का एक काउंटर खोला है जहां लोग उसे खरीद भी सकते हैं और बाबा पर जलार्पण कर सकते हैं, उसे घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, खास के हमारे प्रधान डाकघर में एक स्पेशल काउंटर लगाया गया है गंगोत्री जल को, जिसकी क्वांटिटी 250 ml है और वो 30 रुपये में हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अगर आपको गंगोत्री जल की सुविधा प्राप्त करनी है तो आप हमारे नजदीकी डाकघरों में आ सकते हैं और वो सुविधा का लाभ उठा सकते। हजारीबाग के बड़का गांव में पुलिस ने आज 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर बड़का गांव के थानेदार के नेतृत्व में एक टीम ने नयाटाण गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 8 बाइक, 6 मोबाइल और 24,000 रुपये बरामद किए। पुलिस को देखकर काफी संख्या में मौजूद जुआरी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इनमें से 7 को गिरफ्तार कर लिया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। कृषि खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव को लेकर दूसरे खाद्य प्रणाली संवाद के दूसरे दिन कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जयाद्रेज मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। जयाद्रेज ने झारखंड सरकार की फूलो जानो आशीर्वाद योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये योजना पूरी तरह से फेल होगी। शिक्षा विभाग द्वारा जमशेदपुर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टिफिन में नॉनवेज लाने पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि मानगो स्थित सिम्बॉयसिस पब्लिक स्कूल की 4थी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसकी सहेली ने 14 जुलाई को टिफिन में प्रतिबंधित मांस खिला दिया था। सांसद विद्युत वरण महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कोरोना काल के पूर्व ट्रेनों के बंद ठहराव को पुनः शुरू करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी रेलवे स्टेशनों पर बांग्ला भाषा में स्टेशन का नाम फिर से अंकित करने का आग्रह भी किया। हजारीबाग के दारू बख्शी डी में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में एक शिष्टमंडल ने थाना प्रभारी से मुलाकात कर आरोपी सहायक अध्यापक मुकेश कुमार सिन्हा की गिरफ्तारी की मांग की। शिष्टमंडल के सदस्यों ने बताया कि आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने से सभी वर्गों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देवघर जिले के पालो जोरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत खागा थाना क्षेत्र के घोघा दहा और धावा क्षेत्र से अवैध कोयले लदे 10 मोटरसाइकिल और 13 साइकिल को पुलिस ने जब्त किया है।
खागा थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि अवैध कोयले का परिवहन चोरी छुपे किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिंह ने झरिया बस स्टैंड का जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने बताया कि बस स्टैंड स्थित सुलभ शौचालय को बीसीसीएल द्वारा डेंजर का बोर्ड टांगकर चार दिन पूर्व बंद कर दिया गया था। इस पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करने की बात भी कही। चाईबासा के किरीबुरु में जंगल में मशरूम की खोज कर रही महिलाओं का सामना जंगली हाथी से हो गया। हाथियों ने उन्हें मारने के लिए दौड़ाना शुरू किया, लेकिन महिलाओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रांची के रातू रोड में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर में झारखंड की कला और संस्कृति के साथ ही पर्यावरण की छटा भी देखने को मिलेगी। इसके लिए NHAI और KCC बिल्डकॉन के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसे लेकर रांची के सांसद संजय सेठ के निर्देश पर काम शुरू हो गया है। साल 2022 में रांची में हुई हिंसा मामले में रांची के CJM कोर्ट ने 8 आरोपियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों का वारंट अदालत से मांगा है उनके खिलाफ हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। आंध्र प्रदेश में फंसे बोकारो के 8 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी हुई है। इस काम में समाजसेवियों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। इन मजदूरों ने संदेश भेजकर वापसी का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। MyGov फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब बात मौसम की। झारखंड में मॉनसून की रफ्तार एक बार फिर सुस्त पड़ गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 72 घंटों में कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। मेघारानी की रूठने की वजह से अब तक पूरे राज्य में सामान्य से करीब 45% कम बारिश हुई है। चतरा, धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह जैसे जिलों में तो हालात और भी खराब है, जहां 70% तक कम वर्षा हुई है। बारिश कम होने की वजह से धान की बुआई और रोपाई का काम नहीं के बराबर शुरू हो सका है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। जुलाई साल 1969 को मनुष्य ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा। आज ही के दिन नील आर्मस्ट्रांग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मानव की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना, और इसी सपने को साकार किया अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 की उड़ान ने। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते ही महज 12 मिनट के अंदर अपोलो 11 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ अन्य दो अंतरिक्ष यात्री थे, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद की सतह पर ऑल्ड्रिन भी उतरे और दोनों ने मिलकर चांद पर कई तस्वीरें ली और अमेरिकी झंडा फहराया। 20 जुलाई साल 1965 को महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन हुआ। बटुकेश्वर दत्त को सबसे ज्यादा अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए जाना जाता है। इसके बाद इन दोनों ने बुलंद आवाज में इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, और इसीलिए बम भी असेंबली के खाली स्थान पर ही फेंका गया। इन्होंने वहां पर्चे भी बांटे जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला, जिसके तहत इन्हें लाहौर जेल भेजा गया, जहां दत्त को आजीवन कारावास की सजा और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में साल 1945 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
भारतीय पासपोर्ट पहले के मुकाबले और अधिक मजबूत हुआ है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वां स्थान मिला है। आइए जानते हैं भारत के पासपोर्ट की मजबूती के मायने। देश के पासपोर्ट की अपनी एक मजबूती होती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए उनका सफर आसान रहेगा या मुश्किल, ये पासपोर्ट की मजबूती पर निर्भर करता है। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसके लिए इंटरनेशनल एयर ट्रेवल एसोसिएशन हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया से साझा करता है, जिसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहा जाता है। हाल ही में जारी हुए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 80वां स्थान मिला है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5 पायदान ज्यादा है। पिछले साल इस इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था, यानी कि भारतीय पासपोर्ट पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर बात करें कि आखिर क्या है भारतीय पासपोर्ट की मजबूती के मायने, तो दरअसल जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा मजबूत होता है, वहां के नागरिकों को बिना वीजा के दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा देश में जाने की आजादी होती है। इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 अंकों के सुधार के साथ भारत का 80वां स्थान होने के कारण भारतीय पासपोर्ट के जरिए अब 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री ली जा सकती है। इसका मतलब है कि सिर्फ पासपोर्ट लेकर ही भारतीय नागरिक दुनिया के 57 देशों में घूम सकते हैं। इन 57 देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, रवांडा, जमैका, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। और अगर बात करें आखिर क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है, जो ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किए जाने वाले डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। फिलहाल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर, जर्मनी, इटली और स्पेन दूसरे स्थान पर, वहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस तीसरे स्थान पर हैं। गौरतलब है कि भारत में 3 रंग के पासपोर्ट जारी होते हैं। आम नागरिकों के लिए नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो वहीं सरकार के कामकाज के लिए विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति को सफेद रंग का पासपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी के आईपीएस, आईएएस रैंक के अधिकारियों को मरून रंग का पासपोर्ट दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों में दिखा हंगामा। सरकार ने विपक्ष पर मणिपुर घटना के बहाने कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की हुई समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने उठाए सवाल। क्या राज्य सरकार युवाओं को ठगने में है लगी। और झारखंड में मॉनसून की रफ्तार एक बार फिर पड़ी सुस्त। अब तक सामान्य से 45% कम बारिश। चतरा, धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह में तो करीब 70% कम हुई बारिश।